प्रश्न है कि भूत प्रेत कैसे निकालते हैं? ये तांत्रिक लोग, ओझा लोग, ये कैसे भूत प्रेतों को निकालते हैं? वास्तव में ये निमित्त कारण है। भूत निकलते तो अपने आप समय पर है। भूत कोई अलग चीज नहीं है, भूत भी एक आत्मा है, चाहे प्रेत है चाहे भूत है, और उनका कार्मिक अकाउंट है, इसलिए आए हैं। जिस सेकंड कार्मिक अकाउंट बराबर होगा तो ये चले जाएंगे, परंतु हमने जिसमें भी भूत प्रेत आए हैं, केवल उस भूत प्रेत का ही नहीं, उसके अलावा अन्य लोगों के साथ उसके कारण कार्मिक अकाउंट बना हुआ है। जितने भी ओझाओं के पास, मौलवियों के पास, भूत प्रेत निकालने वालों के पास जाएंगे, यदि ना आए कोई आत्मा तो वहां जाएंगे क्यों? और जाने का कारण बनेगा और वहां तक पहुंचने के लिए कितनी आत्माओं को कर्जा देना है, चाहे वो रिक्शा हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे एयर हो, खाने पीने के लिए जहां से भी कर्जा देना है, और उसके पास भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार, छह बार जाना पड़ता है, तब जाकर के कहीं वो आत्मा निकलती है, फिर आ जाती है। हिसाब है तो जब हिसाब खत्म हो जाता है तो उसका आना बंद हो जाता है। ठीक है, कह के थे हम 4 महीने से इंतजार करते हैं, अपने आप चली जा, आज गई और आज निकल गई। पहले चले जाते तो पहले निकल जाती, पहले आप जा नहीं सकते थे। हाँ, इतना एक्यूरेट है। उस आत्मा को ऐसे ही इस समय ही शरीर छोड़ना था, हिसाब बराबर हो गया, अब आना बंद कर दिया, और यदि हिसाब है तो फिर आ जाएगी। बाकी कोई कहे कि हम निकाल देते हैं, चेंज कर देते हैं, ड्रामा को चेंज नहीं कर सकते। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करेंगे, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें।